हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर सबसे बेस्ट प्रोसेसर स्मार्टफोन की बात करें तो आपके दिमाग के अंदर एक नाम सबसे पहले जरूर आएगा, वो है रेडमी। तो इस साल रेडमी लॉन्च कर रहा है 4 ऐसे फोन जो के मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। नंबर 1 रेडमी नॉट 30, नंबर 2 रेडमी नॉट 30 प्रो, नंबर 3 रेडमी नॉट 30 प्रो मैक्स, नंबर 4 रेडमी नॉट 30 अल्ट्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नॉट 30 अल्ट्रा के बारे में, क्योंकि मेरे दोस्तों जैसा इसका नाम है ऐसी अल्ट्रा इसकी परफॉर्मेंस भी है। और बाकी के 3 फोन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, और जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है ना उसको दबा देना। सो गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के मेन कैमरास के बारे में। आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि सोनी सेंसर के साथ आने वाला है, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और जो सेकंड कैमरा होने वाला है वो है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। जो थर्ड कैमरा होने वाला है वो होने वाला है 8 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा। बात कर लेते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में। तो सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा होने वाला है, जिससे आप बहुत ही बढ़िया सेल्फी खींच सकते हो। गाइस, हम जब भी फोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले फोन की हम डिस्प्ले ही चेक करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की फुल HD 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का TSR रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। तो इस फोन की बैटरी 8000 mAh की बिगर बैटरी देखने को मिल जाएगी। और गाइस, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को इस फोन में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस, आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका OS आपको MIUI 14 देखने को मिल जाएगा। और इस फोन में 12GB रैम और 256GB रोम आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोन कितने में आएगा, इस फोन की प्राइस क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, ये फोन आपको 30,000 से लेकर 35,000 तक देखने को मिलेगा। इस फोन के नाम के मुताबिक मुझे इस फोन की स्पेसिफिकेशन बहुत ही अल्ट्रा लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों।